हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी उषा की किचन में। और मेरी किचन में बना उपमा, हल्का फुल्का नाश्ता सूजी का, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ये। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो उपमा बनाने के यहाँ मैंने लिया कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच चना दाल, यहाँ मैंने ली 1 कटोरी सूजी, और यहाँ मैं ले रही हूँ मटर, यहाँ मैंने लिया चना दाल 2 चम्मच, यहाँ मैं ले रही हूँ बारीक चॉप गाजर, 2 हरी मिर्च, और यहाँ हम लेंगे बारीक चॉप प्याज, मैंने एक प्याज लिया है यहाँ, और बारीक चॉप टमाटर लिया है एक, धनिया पत्ता, और यहाँ मैंने करी पत्ता और 2 हरी मिर्च। और यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी फ्रेंड्स, और सूजी को हम भूनेंगे बहुत हल्की, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा रोस्ट करना, बहुत हल्का सा पिंक कलर होता है ना, वैसा हमें करना है फ्रेंड्स। और सूजी भून के हमारी एकदम रेडी हो चुकी है, एकदम पिंक कलर में आ चुकी है। और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल हमें बहुत हल्का डालना है। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड करूँगा थोड़ा जीरा, और यहाँ ऐड करेंगे हम चना दाल। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखेंगे और हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। चना दाल हमारी हल्का सा भुन चुकी है, यहाँ मैं ऐड करूँगा करी पत्ता, अच्छे फ्लेवर, अच्छे स्वाद, उपमा में बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है करी पत्ते से और चना दाल से। यहाँ ऐड करेंगे हम प्याज बारीक चॉप जो मैंने काट के रखी हुई थी, बहुत हल्का सा भूनेंगे हम, ज़्यादा नहीं भूनेंगे प्याज को। प्याज बहुत हल्की भुन चुकी है, यहाँ हम ऐड करेंगे टमाटर, गाजर और हरी मिर्च, और बहुत अच्छे से भून लेंगे उन्हें हम बहुत हल्का। और यहाँ हम ऐड करेंगे मटर, मटर मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, और बहुत हल्का भुनेंगे। और यहाँ हमने लिया 1 गिलास पानी, पानी हमें 1.5 गिलास डालना है, क्योंकि 1 कटोरी हमने सूजी ली है, तो 1.5 गिलास हमें पानी ऐड करना है, और बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ ऐड करेंगे धनिया पत्ता जो हमने काट के रखा हुआ था, और यहाँ ऐड करेंगे हम गरम मसाला, हल्का सा किचन किंग का मसाला, यहाँ ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जैसा आप खाते हैं, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, अच्छा सा बॉयल आने के लिए। और सब्जी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं सब्जी हमारी गल चुकी है एकदम। अब इसी स्टेज पे मैं ऐड करूँगी सूजी, सूजी हमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और चलाते रहना है कंटिन्यू, ताकि कोई लम्स ना पड़े सूजी में। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालनी है सूजी, और मिक्स करते रहिए कंटिन्यू, और गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे, एकदम धीमी। और यहाँ सूजी को मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है, और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, कितना प्यारा कलर आया, सब्जी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ ऐड करेंगे नींबू, नींबू से एकदम उपमा हमारा खिला खिला बनेगा, बहुत टेस्ट आने वाला है। और यहीं ऐड करूँगी मैं काजू, काजू से बहुत अच्छा स्वाद आने वाला है उपमा में हमारे, ये बहुत हल्का फुल्का सा नाश्ता है सूजी का। और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऐड करेंगे धनिया पत्ता, और सभी चीज़ों को हम 2 मिनट के ढक के रख देंगे कवर करके। और 2 मिनट हो चुके हैं, उपमा हमारा एकदम बन के एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना खिला खिला हमारा उपमा बना है। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप इंस्टाग्राम भी फॉलो करना।